आज हम बनाने वाले हैं पोहा और उसी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं नई सीरीज विश तुमची डिश अमची में। तो आज से हर फ्राइडे को आप में से किसी एक सब्सक्राइबर की फेवरेट डिश में ज़रूर बनाऊंगी, तो आपकी पसंदीदा डिश को कमेंट करना ना भूले। तो पोहे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली एक छन्नी। यहाँ पे मैंने बाउल नहीं लिया है, तो मैंने यहाँ पे छन्नी क्यों ली है आपको ये आगे पता चल जाएगा। तो चार लोगों के लिए पोहा बनाना है, इसके लिए मैंने 4 कप पोहे लिए हैं। वैसे पोहा बिल्कुल ईजी रेसिपी है, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे जो पोहे हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं, बहुत ड्राई बनते हैं, नहीं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टिकी बनते हैं। तो पोहा हमारा गलत होता है एक चीज़ की वजह से, उसको गलत तरीके से भिगोने की वजह से। तो पोहे को कभी हमें किसी बाउल में बहुत ज़्यादा पानी लेके नहीं भिगोना है, उससे हमारे जो पोहे हैं वो स्टिकी बन जाएंगे। पोहे को हमें इसी तरीके से 2-3 बार अच्छी तरीके से धो लेना है और उस पानी को हमें फिर अच्छी तरीके से ड्रेन कर देना है। अब हम इस पानी को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और ये पोहे को हम ऐसे ही भिगोने के लिए रख देंगे। फिर हमारे जो पोहे हैं वो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल स्टिकी नहीं बनेंगे। ठंडा पोहा है तो ज़रूर हम उसमें प्याज डालेंगे। एक प्याज को यहाँ पे मैंने रफली चॉप कर लिया है, लेकिन इस पोहे में मैं बहुत सारी और चीज़ें भी डालने वाली हूँ, जैसे कि ये बटाटा ये मैंने कुछ मीडियम साइज़ का लिया है, इसे भी हम रफली चॉप कर लेंगे। फिर हम लेंगे एक टमाटर को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। और फिर हम लेंगे ये कुछ हरी मिर्च। तो करते हैं पोहा बनाने की शुरुआत। सबसे पहले हम लेंगे तेल, ये कुछ 4 टेबलस्पून तेल है, इसे हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये 1 कप ग्राउंड नट, इसे हम अच्छे तरीके से गोल्डन कर लेंगे। और आपको चाहिए आपके पसंदीदा डिश में नेक्स्ट फ्राइडे बनाऊँ, तो आप उस डिश को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम DM पे बता दीजिए, मैं वो डिश ज़रूर बनाऊंगी। ये हमारे सिंगदाने सारे गोल्डन हो चुके थे तो मैंने इसे निकाल लिया है। सिंगदानों को अच्छी तरीके से ऐसे हम गोल्डन कर लेंगे और इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे राई, ये मैंने कुछ 1 टेबल स्पून से कम ली थी। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, ये भी 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम था। और अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ से जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी अगर सौंफ नहीं डालते तो सौंफ को ज़रूर एक बार डाल के देखें। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और करी लीव्स। करी लीव्स से भी स्वाद जो है वो पोहे का बहुत अच्छा निखर के आता है, तो वो भी आप ज़रूर डालें। इसे हमें 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनना होता है। और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज जो है वो बिल्कुल रफली चॉप किए थे मैंने, तो इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने वो जो पोहे थे वो बाजू में रख दिए हैं, वो बिल्कुल अच्छे फूल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे पोटैटो। मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तीखे डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे मटर, ये कुछ मैंने 1/2 कप मटर लिया था, इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर के बीज हमने इसलिए लिए थे क्योंकि उससे जो पानी छूटेगा उसी में हम इस मटर को और बटाटे को हम पका लेंगे। तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद ये सब चीज़ें जो है हमारी वो पक चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी, फिर इसमें हम डालेंगे चिली पाउडर और फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इन तीनों से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और सबसे बेस्ट की एलिमेंट है वो ये पोहा मसाला, जिसे जीरावन भी कहते हैं। ये पोहा मसाला मैंने नवजीवन से लिया था जो कि जलगांव में है। अगर आपके यहाँ आसपास मिलता हो तो आप ज़रूर ट्राई करें, इससे पोहों को बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो पोहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से खिल चुके हैं, वो बिल्कुल स्टिकी स्टिकी नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे पोहे जो है वो भीगे हुए थे, तो इन्हें हम बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे मिक्स करते जाएंगे ताकि सारा मसाला इसमें ऐड होता जाए। आप देख सकते हैं पोहों का हमारा कलर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसे बिल्कुल 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। इन्हें हमने पहले ही भिगो दिया था तो इन्हें पकने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे सिर्फ ढक देंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद हमारे जो पोहे हैं वो बिल्कुल रेडी है। हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे।
फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर, शक्कर से जो है वो बहुत अच्छा स्वाद आता है, और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। तो अगर आप शक्कर नहीं डालते हो पोहे में तो एक बार आप ज़रूर डाल के देखें, इससे जो है वो बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इससे ऐसे ही मिक्स करते रहना है। तो पोहे बनाने के लिए हमें लगभग लगते हैं 7 से 8 मिनट। तो अगर आपके घर में कोई भी आए तो आप उसे आराम से पोहे खिलाइए, और आपको मेरी ये डिश कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को शेयर कीजिए, और आपकी फेवरेट डिश को कमेंट करना ना भूलिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पोहे जो है वो कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं, बहुत सारी चीज़ें डालने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कलरफुल भी बने हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिख रहे हैं। तो ये हमारे पोहे अब बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इस पर डाला अभी थोड़ा सा जीरावन, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े कटे हुए प्याज। मुझे पोहे ऐसे खाना पसंद है, आपको कैसे खाना पसंद है आप मुझे वो भी बताइए। फिर मैंने इसमें डाले टमाटर, और अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा फरसान। तो बताइए कैसे लग रहे हैं ये पोहे, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं ना? तो ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।